लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 4D दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 9th इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. हमें पी की वैल्यू निकालनी है. फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, जिससे कि इसके रियल रूट्स हों, रियल और इक्वल रूट्स हों. तो कैसे करेंगे, चलिए पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि है 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब हम इसमें से ए बी सी निकाल लेंगे. तो ए क्या हुआ हमारा, 2p प्लस 1 हुआ. बी हुआ हमारा माइनस का 7p प्लस 2 और सी हुआ हमारा 7p माइनस 3. अब हमारे को डी निकालना होगा. डी क्या होता था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a है हमारा 2p प्लस 1 और सी है हमारा 7p माइनस 3. तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का होल स्क्वायर करना है. तो ये क्या लिख सकते हैं, 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस. अब देखिए एक ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, 4 2s आर 8p और 4 1s आर 4. तो ये आया 4 2s आर 8p प्लस 4 इनटू 7p माइनस 3. अब और ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, तो 7p का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7p इंटू 2. देखिए ये माइनस बाहर रख रही हूँ और इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ. 8p की मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट में, फिर 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में. तो ये माइनस बाहर रहा कॉमन, बिगर ब्रैकेट लगा देती हूँ जिससे कि जब हम ओपन करें तो साइन चेंज हो जाए. तो ये आ गया 8p की मल्टीप्लीकेशन 7p माइनस 3 में प्लस 4 की मल्टीप्लीकेशन 7p माइनस 3 में. तो बिगर ब्रैकेट लगा देंगे. अब क्या आ गया, ये 7 7s 49p² प्लस 2 2s 4 प्लस 4 7s 28p, राइट. ये आया देखिए 2 2s 4 7s 28p. अब ये माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा रही हूँ. 8 7s 56 पी इंटू पी इज पी स्क्वायर माइनस 24p प्लस 28p माइनस 12. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये आया 49p² प्लस 4 प्लस 28p माइनस 56p² माइनस माइनस प्लस 24p माइनस 28p माइनस माइनस प्लस 12. अब देखिए एक 28p, एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो गया. 49p² प्लस का है, 56p² माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया. तो ये बच गया माइनस का 7p². p की वैल्यू 24p है, तो दैट इज ये लिख दिया. अब कांस्टेंट वैल्यू देखिए, तो एक 4 है एक 12 है, दोनों प्लस के हैं, तो आपस में ऐड हो गए, तो ये आ गया प्लस का 16. अब d की वैल्यू आ गई है हमारी. अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे रूट्स क्या थे, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स रियल थे और इक्वल थे, तो हमें पता है डी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. तो डी की वैल्यू क्या थी, माइनस 7p² प्लस 24p प्लस 16 इक्वल्स टू 0, राइट. तो अब आप देखिए फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है. तो हमने फैक्टराइजेशन किया इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कितना आया ये 16 इंटू 7 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 112p². अब माइनस के 112p² का ऐसे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके 24p आए. तो हमने 112 के फैक्टर्स निकाले, 2 से किया 2 5s 10, 2 6s 12, अगेन 2 से 2 2s 4, 2 8s 16, अगेन 2 से 2 1s 2, 2 4s 8, 2 से किया 2 7s 14. तो देखिए क्या फैक्टर्स बन सकते हैं,
2 2 4 2 8 8 2 16 16 plus 7 is 17 18 19 20 21 22 23. तो ये नहीं बन सकते. अब देखिए 7 2 14 एंड 2 2 4 2 8 ये भी नहीं बन सकता है. तो ये देखिए 7 2 14 14 2 28 एंड 4, तो ये आ गया हमारा 28 एंड पी एंड 4 पी, राइट. तो एक प्लस का एक माइनस का होना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो कौन सा प्लस का होगा? ये वाला पहला वाला बड़ा वाला मिडिल टर्म के इक्वल होता है, और दूसरा वाला अगर पहला प्लस है तो दूसरा ऑब्वियसली माइनस का होगा. तो ये हमने लिख लिया पी स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 28p माइनस का 4p प्लस 16 इक्वल्स टू 0. अब यहां से हमने माइनस का 7 कॉमन लिया और p कॉमन लिया, तो क्या बच गया? ये p माइनस 4 बच गया, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे. इसी तरीके से यहां से माइनस 4 कॉमन लिया तो ये कितना बच गया? p साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है, 4 इक्वल्स टू 0. तो p माइनस 4 कॉमन आया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया? माइनस का 7p माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो अब p की वैल्यू निकालनी थी तो p माइनस 4 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो p कितना आ गया? 4. और इसी तरीके से माइनस 7p माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया माइनस 7p, 4 उधर जाके प्लस का हो गया और p की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4/7. तो हमारी p की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल एंड इक्वल रूट्स बनाने के लिए? दैट इज 4 रख सकते हैं और माइनस 4/7 रख सकते हैं आंसर.